So right guys, yeah, oh my god, once again and time of the day, it's 6:23 in the morning. Plan था 6 बजे को निकलने का, मगर काफ़ी अंधेरा था तो उसके चलते हमने थोड़ा सा यहाँ पे लेट करते हुए, एंड ये रहा अपना ग्लव्स एंड वो रहा शुभम भाई. शुभम हाय, क्या थे क्यों? ओके थैंक यू. शुभम हमें टिश्यू देता हुआ जो कि बहुत ही अहम है. तो गाइज ओह माय गॉड, चलो बहुत दिनों बाद हम अपने गांव को फिर से एक बार छोड़ रहे हैं. इट्स अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड हियर इज़ माय सानोरिटा. गियर अप हो चुका है, पूरा बैकपैक रेडी हो चुका है एंड इस बार ना लगेज थोड़ा सा लाइट होता हुआ. ओके तो चलो अपना पहला इंटरनेशनल राइड शुरू किया जाए. एयर प्रेशर मुझे चेक करना पड़ेगा, फ्यूल मुझे फिल अप करना पड़ेगा सुखना में, बहुत सारा काम है अभी भी. तो चलो पहला इंटरनेशनल राइड स्टार्ट करते हैं. दिस इज़ द गायबर स्टेशन. टाटा बाय बाय, मिलेंगे अब से 10 दिनों के बाद, शायद 10 से 15, आई एम नॉट श्योर आप कितना दिन का हमें पास मिलेगा. या शुभम ओके बाय. ला हियर वी रीच थिंदारिया, राजबाड़ी थिंदारिया. इस साल का पहला ट्रिप, वो भी हम कर रहे इंटरनेशनल ट्रिप. ओह माय गॉड, सोचा नहीं था कि हम कुछ इस तरीके से स्टार्ट करेंगे अपना 2022. ऑलराइट गाइस, आई एम अबाउट टू रीच सुखना एंड सुखना में मुझे फ्यूल अप करना है एंड मुझे कैश भी निकलना है एटीएम से. तो ओके गाइस, यह अपना कैश निकलना हुआ. इट्स 104.36 लीटर. ओह माय गॉड, बहुत महंगा बहुत महंगा. बस तो गाइस 270 रुपीस में आया 2.59 लीटर. कौन सा था, थैंक यू ऊपर. एंड अगर आपने अभी तक आपको भाई को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो जरूर जाके फॉलो कर लेना, क्योंकि आपको लाइव अपडेट ना आपका भाई को वहीं पे मिलेगा. राइट गाइस, टाइम अपडेट, इट्स 7:48 इन द मॉर्निंग एंड गाइस हमने अभी तक कुछ भी नहीं पिया है, बस पानी पी के ही हम चले सुबह. एंड अब मुझे ना मतलब ब्रेक लेना है, चाय की चुस्की तो बनता है ये देखिए, मतलब इन सभी चीज़ों से ना मतलब बहुत ही सावधानी करके चलाना पड़ता है. ओ ओ भाई आराम से, ये ब्रिज इमरजेंसी के तौर पर बनाया गया है और फिर से यहाँ से जुड़ दिया गया है, मतलब वो बीच में किसी एक पोर्शन डैमेज हुआ था. सो वैसे गूगल, दिस इज अर्जुन हियर एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी ब्लॉगर. तो कैसे हो गाइस आप लोग, होप कि आप सब अच्छे हो एंड अच्छे ही रहना. ऑलराइट गाइस, या टाइम अपडेट, इट्स 8:11 इन द मॉर्निंग एंड अब जाके हमने यहाँ पे ब्रेक लिया है. ब्रेक इन द सेंस मतलब टी ब्रेक तो बनता है, मतलब सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाए थे तो उसके चलते यार नाश्ते के लिए पूछे थे, नाश्ता यहाँ पे नहीं है. तो आई एम हैविंग माई टी ओवर हियर एंड गाड़ी में एयर प्रेशर भी हमने चेक करा लिया है, एयर प्रेशर के चलते अभी कोई टेंशन नहीं है. बस यहाँ से पानी टंकी बॉर्डर अब कुछ ही दूरी में, लगभग 7 से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस में होगा एंड वहाँ से शुरू होगा आगे का कहानी. या गाइस तो चलो पहले चाय पीते हैं फिर उसके बाद यहाँ से निकलते हैं. ऑलराइट गाइस, चाय पानी हुआ हमारा यहाँ पे. प्लान तो था नाश्ता करके निकलेंगे मगर आज पता नहीं भूख नहीं लग रहा है मुझे, एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा है. सो गाइस मुझे ना यहाँ से फ्लाईओवर के ऊपर से जाना होगा. अगर हम वहाँ से जाते तो फिर वो जो मेन पानी टैंकी का जो मार्केट है ना उसको स्किप करके सीधा हम ब्रिज पर निकलेंगे. तो चलिए गाइस, आई एम सो क्लोज टू इंडिया नेपाल बॉर्डर. वैसे तो हम पहुंच ही चुके हैं. राइट नाउ आपका भाई है मेची ब्रिज पर. ओह माय गॉड, या ये देखो भाई, दिस इज द मेची ब्रिज जो कनेक्ट करता है इंडिया एंड नेपाल को. इट्स टाइम टू एंटर नेपाल एंड यहाँ का क्या प्रोसेस होगा पता नहीं, शायद कोविड का सर्टिफिकेट एंड आईडी प्रूफ दिखाना पड़ेगा एंड उसके बाद आगे जाके मुझे भंसार काटना पड़ेगा. फिर वो पोखरा कौन सा, 967 WB74 BA 9396 BA 9396 हजार, थैंक यू सर सो मच. ओह माय गॉड, या इट्स टाइम टू हिट. हजुर अगाडिको चाहिँ फेर्ने बेला भएको छ तर यो ट्रिप गरेर फेरिदिइहाल्छु. हजुर नर्थ इस्ट भर्खरै गरेर आएको, नेपालमा एन्ट्री हो चुके भाइ आपका. ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड. या
चलो यहाँ से आगे का सफर ना मतलब जो भी हो बस सही हो। हाँ यहाँ पे ना मतलब जैसे हम गाड़ी रुके सब लोग मुझे तो नहीं देख रहे थे, इनफैक्ट सेनोरिटा को देख रहे थे, पढ़ रहे थे स्टेट वगैरह। एंड या आई थिंक यहाँ से मुझे राइट लेने के लिए कहा है भानसार के लिए, शायद ये होता होगा। यहाँ पे पूछते एक बार, नहीं भानसार का काट जो ये भित्र आए। थैंक यू। ओ माय गॉड, चलो भानसार बनाते एंड इससे क्या होगा नेपाल में हमारा एंट्री होगा। तो गाड़ी को अंदर ले जाए ना क्या। कितना क्यों? सो राइट गाइस, नेपाल में एंटर हो चुका है हमारा एंड अभी हम है भानसार ऑफिस के बगल में। थोड़ा टाइम लगेगा एंड लाइक उसके बाद अपना पास मतलब बनेगा एंड हम यहाँ से निकलेंगे। फिर हम यहाँ पे चाय पानी नाश्ता पूछे तो फिर नाश्ता में नहीं था यहाँ पे कुछ भी, वो क्या था छोले मुरई तो हम नहीं खाते। तो चलो चाय पीते हैं उसके बाद फिर बनाते अपना भानसार एंड फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ जे जे बोलो सब यहाँ देवी हुन्छ, सब रिकर्ड हुन्छ नि। यहाँ नि यत्रो टाढो पौ सुन्छ र सुन्छ सुन्दै छ नि। भानसार हुआ हमारा, पास हमें मिला 10 दिन का, वैसे तो मान नहीं रहे थे सिर्फ 7 दिन का ही यहाँ पे मिलेगा बोल के कह रहे थे, मगर इंडियन पैसेंजर व्हीकल क्लियरेंस ऑलराइट, वैसे तो हमने सब कुछ ओके कर दिया है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। फिर यहाँ पे हजुर दार्जिलिङबाट सर सामान मेरो लगेज हो हजुर, यो चाहिँ तेल राख्ने अन्त यहाँ चाहिँ कपडा फटा हजुर त्यति नै हो हजुर। काटेँ मेरो पोखरा हजुर हजुर पोखरा मुस्ताङ जाउँ भनेको भन्छ 10 दिनको यसमा हुँदैन कुच्छ यो। हुन्छ जाँदा हुन्छ सर, ल थ्याङ्क यू हुन्छ। मतलब सबको हर कोही यही पुछ्थे कि भाइ ये दौड पाएगा, अरे इसका कैलिबर इनको पता नहीं ना। हाँ यार दिस इज काकर भित्ता, तो काकर भित्ता बस पार्क इसे कहते हैं। ये देखिए जनाब, ओहो मैंने सोचा था हमारे इंडिया में सिर्फ स्टील मैन चलते बोल के, मगर नहीं यहाँ पे भी चलते हैं। देखो रोड में मतलब बेफिक्र, अब जब इट्स 9:40 इन द मॉर्निंग, अभी मुझे यहाँ पे लेना है ब्रेकफास्ट, मुझे करना है ब्रेकफास्ट, बस अभी तक 2 कप चाय हमने पी कर आगे बढ़ रहे हैं। सो गाइस हियर इट इज 137.50 पर लीटर। अंकल फुल कर दिनुस ना, तब भरना पड़ेगा मुझे है ना, भरी ना 5 लीटर को ये तो एक्स्ट्रा कैरी करना बहुत जरूरी है। ये गाइस थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ मैं, सही बता रहा हूँ, बताना है कि एक अजीब सा घबराहट सा हो रहा है, जैसे नेपाल के हाईवे पर हम हिट कर रहे हैं ना, मगर कोई नहीं ये कुछ ही पलों के लिए, उसके बाद हम अपना ले में आएंगे भाई। चलो कुछ खाते हैं यहाँ पे हजर मुस्तांग हजर यहाँ को हजर पुग्नु पर्ने मुस्तांग साह्रै छ नि है, साह्रै छ नि है। म यहाँ खरसाङ दार्जिलिङ हजुर पुग्छ होला जानु हो एकदम। सो राइट गाइस टाइम अपडेट इट्स पता नहीं दो टाइम लोकेशन दिखा रहा है, इट्स 10:30 इन द मॉर्निंग एंड अब जाके हम यहाँ पे अपना कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। मतलब ब्रेकफास्ट बहुत जरूरी था क्योंकि काफ़ी जोरों शोरों से भूख लगा था हमें, तो चलो फटाफट ब्रेकफास्ट करके फिर यहाँ से निकल पे अपने डेस्टिनेशन की ओर। एंड ये रहा मेरा सुबह का तीसरा चाय, आज काफ़ी चाय पीना हो रहा है भाई, ऐसा अक्सर हम नहीं करते मगर आज हो रहा है तो अब होने दो, क्या कहते हो। तो चलो फटाफट ब्रेकफास्ट करके फिर हम यहाँ से निकलते हैं। एंड गाइस नाश्ते में हमने खाए थे 3 सूखा पूड़ी सब्जी एंड चाय का, बिल आया यहाँ पे 150 रुपीस, मतलब 150 नेपाली रुपीस यानी कि कन्वर्ट करें तो लगभग 95 रुपये का आया।
गाइज मैंने नोटिस किया यहाँ पे कोई कोई वाहन है ना स्पेशली जो बस रहते हैं वो मतलब रॉकेट के माफी चल रहे हैं यहाँ पे। शायद उनका अलग सा लाइसेंस मिला कि आप रॉकेट की तरह यहाँ पे चला सकते हो बोल के। एंड ओवरटेकिंग में बहुत ही ज़्यादा ध्यान रख के आप चलाएं अगर आप नेपाल में आते हो, जो कि हम यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सो गाइस आई हैव रीच दमक। ओ गोरखा गाइस एक बार एयर प्रेशर चेक कर ही लेता हूँ एंड टी ब्रेक भी यहीं पर लेते हैं। टी ब्रेक नहीं यार मतलब वाटर ब्रेक। भाई साहब हाँ बताइए। हाँ जी हवा कम है? हवा शायद मुझे देखिए आप कितना है ये लीक हो रहा है क्या, क्योंकि सुबह भी मैंने डाल के आए थे। यहाँ से लीक हो रहा है। कहाँ पे? यहाँ से लीक हो रहा है। नहीं 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 मेरा एक बार चेक कर लो ना। मैं ये लग रहा है कितना है एक का पंचर पत्ती का 100 रुपया पड़ेगा नेपाली। नेपाली 100 रुपये। चलो फिर मिलते हैं। 5 मिनट का ब्रेक भी बन गया हमारा बातों बातों में। सो गाइस आपका भाई पहुंच चुका है इधर ही और यहाँ से लगभग मोर 80-90 किलोमीटर टू गो अपना डेस्टिनेशन। एंड टाइम ऑफ डेट इट्स 12:33 इन द आफ्टरनून। धरन मेरा राइट साइड पर, विराट नगर लेफ्ट साइड पर एंड इनरवा सीधा। तो मुझे यहाँ से अभी इनरवा होके आगे निकलना है। पेट्रोल चेक करना पड़ेगा गाइस रुक के, वैसे तो एक्स्ट्रा तो है। लेट्स गो। ओह माय गॉड या टू सी इट। या देखो ये पूरा ये नदी है। एक्चुअली अभी तो मानसून सीजन नहीं है ना, मानसून सीजन होता तो अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिलता। हाँ और पानी जमा हुआ है मेरा राइट हैंड साइड पर ये इस तरफ। बाप रे बाप मज़ा आ गया ये देख के। ये देखो दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है पानी के अलावा। अपना सैंडविच है वहाँ पे एंड या देयर इट इज। सो गाइस इट्स ए वाटर ब्रेक इन द सेंस हम यहाँ पे चाय पी रहे ठीक है यहाँ पे। एंड आई हैव रीच बर्मदिया एंड यहाँ पे अभी ये यहाँ का सबसे फेमस पेड़ा चाय खा के फिर हम यहाँ से निकलेंगे आगे की ओर। मतलब सो फार सो गुड। एंड हमने कोसी बैरक को क्रॉस कर लिया है एंड टाइम अपडेट इट्स 2:10 इन द आफ्टरनून। मतलब या धीरे धीरे हम जा रहे हैं, लगभग 4 बजे के करीब हम अपने डेस्टिनेशन पर होंगे। सो हेयर इज द पेड़ा एंड चाय वहाँ पे। सो पेड़ा यहाँ पे, तो अब ये दो खाकर चाय और पेड़ा खाकर फिर यहाँ से हम निकलेंगे अपने डेस्टिनेशन की ओर। हाँ जी क्या देसी व्लॉगर फिर आप कहाँ से हो? नेपाल से। एंड एक कप चाय एंड एक पेड़ा का आया मेरा बिल 60 रुपीज़ का, यानी कि चाय का 20 एंड पेड़ा का 40। चलो गाइस आज का डे का तीसरा फ्यूल अभी हो चुका है। ओ बकरी का देखो कैसे पकड़ के ले जा रहे गोद में। गाय का जान ये बाटो हाँ सर कति टाइम लग्छ यहाँबाट? 27। घुमाउरो तो ठीक है बाटो तो राम्रो होस्। ये रोड मुझे सही लग रहा है गाइस। मतलब दोनों तरफ से हमें ना पेड़ों ने घेरा हुआ है, अब जाके मुझे अच्छा लग रहा है। सो गाइस आई एम अबाउट टू रीच गायघाट और यहाँ से 17 किलोमीटर मोर टू गो। एंड अभी ना मतलब साउंड क्वालिटी में थोड़ा सा वो एडजस्ट कर लेना क्योंकि हमने माइक सेटअप नहीं किया है। तो यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है, जस्ट लुक एट दिस राजी फील को बहुत ही खूबसूरत दिखा देता हुआ। तो अभी हमें सीधा ये रोड ही होकर जाना है एंड हम पहुंचेंगे गायघाट की ओर। तो यहाँ पे बस वही फोटो सेशन के लिए हम रुके थे एंड लाइक अभी हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो सो फार सो गुड एंड बहुत ही मज़ा आ रहा है नेपाल राइड को लेकर। इट्स माय डे 1 फ्रॉम एक्सट्रीम नेपाल। चलो आगे बढ़ते। ब्रेक भी हुआ, फोटो सेशन भी हुआ, इंस्टा स्टोरीज पर भी हमने अपलोड कर दिया है। ये कमाल है, अभी हम ना मतलब पहाड़ की ओर चढ़ रहे हैं। सो ब्यूटीफुल गाइस जस्ट लुक एट दिस। आई थिंक दिस इज नर्सरी। ये देखो ओह माय गॉड आई एम लविंग इट। यहाँ पे एक फ़ोटो तो बनता है, कल सुबह देखेंगे क्योंकि इसी रोड होकर हमें फिर से वो हाईवे कनेक्ट करना है ना कल सुबह। डबल लाइन रोड डबल लाइन आने बितिक गाईघाट हो। थैंक यू ल।
ओके ओके जरूर कड़ा ल बाय थैंक यू। सो गाइस गाइड में भाई लोग मिले जो कि मुझे गाइड कर रहे थे। नाम बनो। मेरो नाम जान। ऋषान तिम्रो? मेरो कन्हैया। तिम्रो? राहुल। अच्छा ब्लग च्यानल स्टार्ट गर्यौ कति दिन भयो भनेपछि? 3 डेज भयो। गुड गुड किप गोइङ ल। एंड भाइयों के चलते मुझे डायरेक्शन मिला क्योंकि यहाँ पे ना मतलब नेटवर्क के चलते कॉल नहीं लग रहा था जहाँ पे मुझे जाना चाहिए था। तो या थैंक यू। कति टाढो से यहाँ बढ़ाते चौक? 2 मिनट। अच्छा त्यहाँ बढ़ लेफ्ट। ल ल ल म बिस्तारै जान्छु नि। ल कडा थैंक यू। भाई पता नहीं नेटवर्क को क्या हुआ यहाँ पे भी आके हमने ट्राई किया तो नहीं लग रहा था तो लोकल्स के भरोसे हम यहाँ पे जा रहे हैं अभी। गाइस 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 या इट्स 5:40 इन द इवनिंग एंड आपका भाई पहुँच चुका है अपने डेस्टिनेशन पर। सो गाइस या नेपाल से पहला दिन का राइड बहुत ही स्मूथ हुआ बहुत ही अच्छा हुआ जैसा मैंने सोचा था उस प्रकार से हुआ क्योंकि काकरविता में मुझे लगा था कि शायद थोड़ा सा टाइम लगेगा भानसार के लिए तो भानसार में भी कोई टाइम नहीं लगा बस हम थोड़ा सा लेटली यहाँ पे पहुँचे क्योंकि प्लान था 4 बजे को पहुँचने के लिए और लेटली इसलिए पहुँचे क्योंकि हम काफ़ी आराम से आ रहे थे। सो विद दिस इट गाइस मैं इस वीडियो से वीडियो को भी यहीं पे एंड कर देता हूँ। इफ यू डू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन लाइक कर देना वीडियो को कमेंट कर देना शेयर कर देना इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। टिल देन स्टे ब्लेस्ड स्टे हेल्दी बाय बाय।